ये चैप्टर वन को हम स्टडी कर रहे थे जो कि है इंट्रोडक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। साइंस को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज जो है जो ये बहुत ही वास्ट है। साइंस एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और उसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हमारे पास होती हैं। उन्हीं मेथोडोलॉजीज में से बायोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं तो उसका जो मेथड है हम उसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला स्टेप है, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं मुशाहिदा। मुशाहिदा या ऑब्जर्वेशन जो है वो हम अपनी डिफरेंट सेंसेस के थ्रू कर सकते हैं या फिर किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं, सिंपलर इंस्ट्रूमेंट को। मुशाहिदा क्या होता है कि हम नेचर को देखें, अर्थ को देखें, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को देखें और हम ये देखें या फिर हम जो कुछ भी उसमें से गेट कर सकते हैं, जो कुछ भी हम समझ रहे होते हैं, जो हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ऑब्जर्वेशन के लिए हमें हमारी सेंसेस चाहिए या फिर हमें कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए और इसके थ्रू हम डिफरेंट नेचर में जो भी चीजें हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारी सेंसेस में हमारे सेंस ऑफ विजन आ सकता है, हियरिंग आ जाता है, सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट या टच एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट सेंसेस होगी। और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं माइक्रोस्कोप आ जाता है या आप कह लो मीटर रॉड को ले सकते हैं, हम थर्मोमीटर को ले सकते हैं। तो ये कुछ सिंपलर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज करके अपनी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस, इनकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी है हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन है जिससे हमें किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में पता चलता है या फिर हमारे पास डिफरेंट, या तो हमें क्वांटिटी पता चलेगी या फिर हमारे पास कोई फैक्ट्स या फिगर्स वगैरह आ जाएंगे। या फिर हम इसको ये कहते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन है जिसके जिसे हमने कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज करके फाइंड किया है। जबकि जब हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन पे आते हैं तो हम ये कहते हैं कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो है जो हमें किसी भी चीज को जनरल किसी भी चीज को जनरली देखने से या फिर अपनी सेंसेस यूज करने से पता चलती है, तो वो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। इसके अंदर हमारे पास कोई फैक्ट या फिगर्स नहीं होते और ना ही हम इसके लिए हम कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल को देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल है हमारे पास, दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर पहली एग्जांपल हमें ये बताती है कि वन लीफ इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग और दूसरी एग्जांपल हमें ये कह रही है कि लीफ इज लाइट ग्रीन इन कलर। तो वन लीफ इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग से हमें ये पता चल रहा है कि ये ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। क्वांटिटेटिव क्यों है? क्वांटिटेटिव ये इसलिए है बिकॉज हमें एक क्वांटिटी पता चल रही है कि एक जो पत्ता है वो 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसको हमने मेजर किस तरह से किया, किसी भी स्केल से, मीटर रॉड से हम इसको आराम से मेजर कर सकते हैं। जबकि लीफ इज लाइट ग्रीन इन कलर ये हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। क्वालिटेटिव
ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव क्यों है? क्वालिटेटिव इसलिए है बिकॉज हमें पता चल रहा है कि जो पत्ता है, लीव है, वो लाइट ग्रीन है कलर में, और लाइट ग्रीन को पता चलाने के लिए हमें किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही ये कोई फैक्ट है, बल्कि हमें सिर्फ ये देखने से ही पता चल जाता है कि लीव जो है वो लाइट ग्रीन कलर का है, तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। तो इस तरह से साइंटिफिक मेथड में जो फर्स्ट स्टेप था हमारे पास ऑब्जर्वेशन, वो हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि हम डिफरेंट सेंसेस को यूज करते हुए या फिर किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए नेचर का जब मुशाहिदा करते हैं या किसी रिजल्ट को फाइंड करते हैं तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप है साइंटिफिक मेथड का, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? जैसे कि हमने पीछे देखा कि जब भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं अपने किसी भी सेंसेस के थ्रू या फिर किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो हम इन ऑब्जर्वेशन को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। वो जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट या सेंटेंस की फॉर्म में जब लिखा होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो एक हाइपोथेसिस है। यानी कि हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कि दिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो कुछ भी हमने ऑब्जर्व किया उसको जब हम एक एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में लिख दें तो वो हमें हमारे पास हाइपोथेसिस हो जाता है। एक अच्छे हाइपोथेसिस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी कि जब भी हम हाइपोथेसिस लिखें तो वो क्लियर होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, वो किसी ना किसी फैक्ट्स के ऊपर बेस होना चाहिए, यानी कि हम ऐसी हवा में कोई बात ना कह दें, और वो सबसे बड़ी बात कि वो टेस्टेबल हो। टेस्टेबल होने का मतलब ये है कि हम उसको आराम से इजीली टेस्ट कर सकें, यानी कि हम उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकें। तो इस तरह के हाइपोथेसिस को कहते हैं कि ये एक अच्छा हाइपोथेसिस है। तो जब भी हमने कोई ऑब्जर्वेशन ली, हम उन ऑब्जर्वेशन को एक एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, एक सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में, और उस एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं कि वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेज जो हमारी साइंटिफिक मेथड में या बायोलॉजिकल मेथड में आती है उसे हम कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन का जो स्टेप है वो बेसिकली हाइपोथेसिस से भी पहले आता है, बिकॉज डिडक्शन जो है वो हमें ये बताती है कि हमने किस तरह से एक हाइपोथेसिस बनाना है। डिडक्शन कहते किसे हैं? डिडक्शन का ये मतलब होता है कि हम कोई ना कोई लॉजिक यूज करें या किसी ना किसी प्रीवियस रिजल्ट, पिछले पहले किसी भी आने वाले रिजल्ट के बेसिस पे कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें, और वो जो कंक्लूजन होता है या फिर कोई ना कोई लॉजिक, वो हमें एक स्टेटमेंट देती है, कुछ ना कुछ रिजल्ट देती है, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, या फिर इसी रिजल्ट को हम मजीद अपने नेक्स्ट फेज में, जिस जो है नेक्स्ट पार्ट में, जो कि टेस्टिंग का पार्ट है, जो कि एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट है, उसके अंदर यूज करते हैं। तो ये तो था डिडक्शन। हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं तो हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कि वो है, वो रिजल्ट है, हाइपोथेसिस हमारे पास या तो डिडक्टिव रीजनिंग से आता है, डिडक्टिव रीजनिंग से, या फिर वो हमारे पास किसी ना किसी इंडक्टिव रीजनिंग से आता है, इंडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग बेसिकली ये है कि हम किसी ना किसी जनरल ऑब्जर्वेशन से किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की तरफ आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड स्पैरो is a bird, इन दो बातों से हम ये चीज डिड्यूस कर सकते हैं कि स्पैरो have
विंग्स, यानी कि अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं और चिड़िया भी एक परिंदा है तो इसका मतलब है कि चिड़िया के भी पर होंगे। यानी कि हम जनरल बात से, जनरल थे हमारे पास तमाम बर्ड से, हम स्पेसिफिक यानी कि एक स्पैरो तक आ गए। तो ये था डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग ये होता है कि हम किसी न किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से या स्पेसिफिक कंक्लूजन से किसी न किसी जनरल की तरफ आ जाए, यानी किसी जनरल ऑब्जर्वेशन जनरल कंक्लूजन की तरफ आ जाए, तो ये हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि स्पैरो हैज, स्पैरो हैज, कोई एक चिड़िया है जिसके विंग्स है, और हम ये कहते हैं के स्पैरो हॉक ईगल आर ऑल बर्ड्स, तो हम ये कह दें के ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, यानी के चिड़िया के पर होते हैं और इसके अलावा स्पैरो हॉक ईगल ये तमाम हमारे पास बर्ड्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम बर्ड्स के विंग्स होते हैं। तो हमने क्या किया, हम स्पेसिफिक यानी कि एक स्पैरो से जनरल, जनरल का मतलब है एक लार्ज बड़ी कैटेगरी यानी कि ऑल बर्ड्स, उनके ऊपर आ गए और हमने कहा कि उनके पर होते हैं, दे ऑल हैव विंग्स। तो ये तो था हमारे पास डिडक्शन एंड इंडक्शन। डिडक्शन और इंडक्शन, इन दोनों को यूज करते हुए हम अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस हाइपोथेसिस को मजीद भी हम टेस्ट करते हैं। तो जो इससे नेक्स्ट फेज है हमारे पास, उसे हम कहते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, उसे हम कहते हैं टेस्टिंग या फिर एक्सपेरिमेंटेशन। जब भी हमारे पास कोई हाइपोथेसिस होता है वो इस फॉर्म में होता है कि हम उसको इजीली टेस्ट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी इस पिछली एग्जांपल को ले लें कि स्पैरोज हैव, अगर हम ये कहें कि इफ स्पैरो इज अ बर्ड देन स्पैरो हैव विंग्स, तो अब इस एग्जांपल को हम टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई ही स्पैरो के विंग्स है या नहीं। इसके लिए हम डिफरेंट तरह की स्पैरोस को इकट्ठा करेंगे और फिर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे और उनके ऊपर टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई ही उनके ऊपर विंग्स हैं या नहीं। तो ये जो टेस्टिंग है, इस टेस्टिंग से हमें ये पता चलता है कि हमने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया उसके बाद हाइपोथेसिस दिया वो ठीक था या गलत था। किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम अवेलेबल ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बना देते हैं। जैसे हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप या फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इन ग्रुप्स के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के जो भी रिजल्ट्स आते हैं हम उन रिजल्ट्स को फिर एनालाइज करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमने जो भी ऑब्जर्वेशन बनाई थी, जो भी ऑब्जर्वेशन ली थी या फिर उसके बाद हमने जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर हाइपोथेसिस दिया था वो ट्रू था या फॉल्स था। अगर हम किसी भी हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करें, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिव आए, यानी कि जो हमने ऑलरेडी बात कही थी वो ट्रू साबित हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो जो हाइपोथेसिस है वो थ्योरी बन गई है। थ्योरी जो है वो साइंटिफिक मेथड में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। थ्योरी हमें ये बताती है कि जो कुछ भी हमने प्रपोज किया था वो बिल्कुल ठीक था और अब इन गिवन कंडीशंस के मुताबिक हम इसको गलत साबित नहीं कर सकते।
तो ये हमारे पास थ्योरी आ जाती है। थ्योरी के मजीद कुछ क्वालिटीज हम देखते हैं कि थ्योरी के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो हम ये कहते हैं कि थ्योरी जो है वो प्रिडिक्टिव हो, और हम ये कहते हैं कि ये एक्सप्लेनेटरी हो। प्रिडिक्टिव का क्या मतलब है? प्रिडिक्टिव का मतलब ये है कि थ्योरी से हम कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर सके, हम कुछ बता सके किसी चीज के बारे में कि ये चीज ठीक है या गलत है, या किसी भी चीज के बारे में उसके लॉ बनने से पहले बता दिया जाए, जिसे हम पेशेंगोई भी कहते हैं। एक्सप्लेनेटरी का मतलब ये है कि थ्योरी में जो कुछ भी स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल सही है और वो उस पूरे के पूरे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रही है, हम उसको आसानी से समझ रहे हैं। तो ये तो दो क्वालिटीज हैं थ्योरी की। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड का, उसको हम कहते हैं लॉ या फिर प्रिंसिपल। साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल है क्या? साइंटिफिक लॉ हम उस चीज को कहते हैं कि हमारे पास जब भी कोई थ्योरी आती है हम मजीद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स हम खुद भी परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सली दुनिया में डिफरेंट लोग डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर उस थ्योरी को टेस्ट करते हैं और फिर अपने कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अगर तो सब के सब कंक्लूजन एक ही रिजल्ट दे रहे हो तो हम कह देते हैं कि वो हमारे पास साइंटिफिक लॉ या साइंटिफिक प्रिंसिपल बन गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइंटिफिक लॉ है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूरज जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। ये एक लॉ है, ये एक प्रिंसिपल है और इसके ऊपर ही सोलर सिस्टम काम कर रहा है। कोई भी इसको गलत साबित नहीं कर सकता बिकॉज हमारे पास इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है और हमने इसको यूनिवर्सली प्रूफ कर दिया है। इसके अलावा बायोलॉजी में जब हम लॉज की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हार्डी विनबर्ग लॉ या फिर हम लोग स्टडी करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं लॉज की, इनको डिटेल में ये लॉज होते क्या है इनको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो ये तो हमारे पास साइंटिफिक मेथड। अगर हम इसको समराइज करने लगे तो इस डायग्राम के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमने स्टडी किया वो क्या था? वो था ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। हम चीजों को नेचर के अंदर डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग या तो अपनी सेंसेस को यूज करते हैं या फिर हम किसी ना किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस को हमने देखा था कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो भी हमने ऑब्जर्वेशन ली है उनको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास हाइपोथेसिस आ जाता है। हाइपोथेसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिडक्शन। डिडक्शन को हमने कहा था कि हाइपोथेसिस को लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम डिडक्शन यूज कर सकते हैं या फिर हम इंडक्शन यूज कर सकते हैं। डिडक्शन हाइपोथेसिस से पहले भी हो सकती है और हाइपोथेसिस के बाद भी हम रिजल्ट्स को डिड्यूस कर सकते हैं। डिडक्शन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट्स का। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा था कि हम डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं, जैसे कि हमारे पास कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स आ जाते हैं और उन ग्रुप्स के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और ये देखते हैं कि हमने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया था या फिर जो हमने हाइपोथेसिस दिया था वो ट्रू है या फॉल्स है। एक्सपेरिमेंट से आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनको हम एनालाइज करते हैं और उनके ऊपर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। या तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है।
अगर तो हमारे पास हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम मजीद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करते हैं और वो एक थ्योरी बन जाता है। थ्योरी के ऊपर जब मजीद हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट तरह का डाटा लेके, और वो एक्सपेरिमेंट सबके सब इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक प्रिंसिपल बन गया है या फिर साइंटिफिक लॉ बन गया है। जबकि दूसरे केस में जब हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है या फिर हमारे रिजल्ट्स वो रिजल्ट्स नहीं आते जो हम चाह रहे होते हैं या फिर जो हमने एक्सप्लेन किए हुए होते हैं अपने हाइपोथेसिस के अंदर या डिडक्शन के अंदर, तो हम लोग वापस अपने ऑब्जर्वेशन के पास आ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि आया हमने जो ऑब्जर्वेशन ली थी वो ठीक थी या फिर हमें इनको मजीद दुरुस्त करने की जरूरत है। तो ये ओवरऑल हमारे पास साइंटिफिक मेथड है। बायोलॉजी के अंदर जब हम लॉज की बात करते हैं तो लॉज हमें फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, बायोलॉजिकल लॉज जो है वो रिलेटिवली बहुत कम होते हैं। इसकी रीजन ये है कि जब हम लॉ की बात करते हैं तो जैसे हमने देखा कि हम थ्योरी से मजीद लॉज बनाते हैं तो लॉज को बहुत ही जनरल होना पड़ता है, जबकि हम जब बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल से हमें कोई ऐसी चीजें मिलती हैं जिनको हम जनरलाइज कर सके। बायोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से, हर स्पीशी दूसरी स्पीशी से मुख्तलिफ होती है, इसलिए हमारे लिए जनरलाइजेशन बहुत ही मुश्किल है। यही वजह है कि बायोलॉजी के अंदर हमारे पास बायोलॉजिकल लॉज बहुत ही कम है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।